बिहार के समस्तीपुर जिले में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से शहरों और कई स्थानों पर रोग प्रतिरोधक किट बांटे गए और इसके साथ ही कुष्ठ कॉलोनी को सैनिटाइज भी किया गया। आपको बताते चले कि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी हमेशा मानव हित और देश हित के लिए काम करते हैं और इन दिनों लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुदेव ने ट्विटर पर संदेश देते हुए लिखा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी पावर को गुरुजी ने कोरोना संक्रमण से लड़ने का यही एकमात्र उपाय बताया है। आर्ट ऑफ लिविंग के अपेक्स बॉडी मेंबर पंकज ज्योति ने बताया कि वैश्विक आपदा जैसी कोरोना महामारी से बचाव के लिए संस्था द्वारा टर्मरिक आयुकांति शक्ति ड्रॉप तुलसी अर्क इत्यादि के उपयोग से मनुष्यों की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी साथ ही संबंधित दवाइयों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। बता दे उप विकास आयुक्त आरक्षी अधिक जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी शहर के भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न शाखा के पदाधिकारियों सहकारिता बैंक जिला स्वास्थ्य सोसाइटी कई अधिवक्ताओं सहित दर्जनों गरीब परिवारों को वितरित की गई। सत्ता से कर रहे हैं एक्चुअली गुरु जी का बर्थडे 13 मई को मनाया जाता है तो 13 मई से हम लोग इस सेवा में लगे हुए हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक अध्यात्मक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में हम लोग अपना निरंतर सेवा दे रहे हैं। जैसे आज बहादुरपुर चौक पे राजेंद्र नगर के कुष्ठ कॉलोनी में सैनिटाइजेशन किया गया है और लगातार ये आगे भी ये काम चलता रहेगा। हम लोग निस्वार्थ भाव से कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए गरीब बस्ती में जाके जहाँ जहाँ ऐसे हैं जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो रही है उस जगह पे जाके हम अपना सेवा निरंतर भाव दे रहे हैं। कॉलोनी है राजेंद्र नगर है वहीं पर किया गया है। ये दलित और कुष्ठ रोगी का बस्ती है जिसमें हाइड्रो क्लोरिन से हम लोग सैनिटाइज किए हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग अभी तक? ये पहले ये सब जो किया जा रहा है ये श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान है उसी के द्वारा किया जा रहा है। इसको यहाँ मोटिवेट श्री पंकज ज्योति जी कर रहे हैं, हम लोग वॉलेंटियर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। ये गुरु जी का श्री श्री का जन्मदिन 13 मई है तो 13 मई से लगातार हम लोग सैनिटाइजेशन और ये इम्यूनिटी किट का वितरण कर रहे हैं। आज भी अभी पुलिस को दिया गया, कोरोना वॉरियर को दिया गया, मेडिकल डिपार्टमेंट में दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दिया गया है। किट में क्या सब रहता है? किट में रहता है शक्ति ड्रॉप, तुलसी, टर्मरिक प्लस जिसमें हल्दी और काली मिर्च रहता है, उसके बाद अमृत है जो इसको गिलो या गुरिच कहते हैं, ये सारी दवा इम्यूनिटी की है और जिससे इम्यूनिटी शरीर का एकदम बिल्कुल पावरफुल बना रहता है। जब तक गुरु जी का कहना है जब तक कोई इसका माने सोलूशन नहीं निकलता है तब तक इस दवा से लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी? अभी हम लोग तो 100% अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।